और अब खबरों में आगे बढ़ रहे भारतवर्ष की 9 बड़ी खबरों पर एक नजर। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी के सूत्रों से बड़ी खबर सामने आई है। जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ चार्जशीट दायर हो सकती है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में ईडी ने जैकलिन को आरोपी बनाया है। देश में रेवड़ी कल्चर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और कोर्ट ने पूछा है कि आखिर सार्वजनिक धन का सही खर्च हो भी रहा है या नहीं। कोर्ट ने सभी पक्षों से इस पर सुझाव मांगे हैं। सुझाव सुनने के बाद सोमवार को कोर्ट आदेश देगा। आज से देश भर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर रही है। अगले एक हफ्ते तक कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली समेत पूरे देश में महंगाई चौपाल लगाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल उठाएंगे। मिशन 2024 में जुटे दिल्ली के सीएम केजरीवाल थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के मेगा नेशनल कैंपेन को लॉन्च करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी का ये कैंपेन देश को नंबर वन बनाने की थीम पर हो सकता है, लेकिन इसका फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव ही माना जा रहा है। श्रीकांत त्यागी मामले की पीड़ित महिला एना अग्रवाल ने नया वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को किसी जाति या राजनीति से जोड़ना गलत है। एना अग्रवाल के मुताबिक इस प्रकरण के लिए पूरी बीजेपी दोषी नहीं है, जिसने गलत किया है वो सजा भुगत रहा है। जम्मू के सिद्रा इलाके में 6 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। एक घर में 2 पुरुष और 4 महिलाओं के शव मिले। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को आत्महत्या का शक। महाराष्ट्र के गोंदिया में आज सुबह करीब 4 बजे जबरदस्त ट्रेन हादसा हुआ है। रायपुर से नागपुर जा रही मालगाड़ी को पीछे से आ रही पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी। हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। आरजेडी के पूर्व सांसद आनंद मोहन के वायरल फोटो में एक पीएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 12 अगस्त को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आनंद मोहन अपने घर गया था और कई लोगों से मिला भी था। आनंद मोहन फिलहाल डीएम की हत्या मामले में सजा काट रहा है। एनएसए अजीत डोभाल 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे हैं। मॉस्को में डोभाल रूस से आतंकवाद, अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। रूस दौरे के बाद डोभाल उज्बेकिस्तान में एससीओ की बैठक में शामिल होंगे।